गेमिंग से हमारा दिमाग ज्यादा खराब होता है या फिर इंटेलिजेंट होता है? हमारी मम्मियों को लगता है कि सारे फसाद का जड़ ये स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से हम दिन भर स्मार्टफोन में गेम्स खेलते रहते हैं। बट गेमिंग हैज प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स। गेम्स हमारे दिमाग को ज्यादा साफ करता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वेज। गेम्स हमारे अटेंशन को साफ करता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। गेम्स हमारे मेमोरी को भी इंक्रीज करता है। Hi everyone, this is Neutralize. स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। How games make you smarter? And by the end of the video, हम जानेंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है कि नहीं, अगर है तो कितना पैसा है, जो भी प्रोफेशनल गेमर होते हैं वो कितने पैसे बनाते हैं। आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले या फिर गेम्स खेलने से रोके तो उनको बस ये वीडियो दिखा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, गेम्स 23% से आप करती है हमारे माइंड को एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लर्निंग। देयर आर अ लॉट ऑफ सरप्राइजिंग बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ गेमर। BGMI, Call of Duty जैसे एक्शन गेम्स खेलते हैं, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंक्रीज होती है। जैसे हम किसी स्क्वाड से लड़ाई कर रहे हैं एंड उसी टाइम थर्ड पार्टी हो गई, तो उस टाइम आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा कि आप सेकेंड स्क्वाड से भी उसी टाइम लड़ोगे या फिर परमानेंट कवर में जाओगे। गेम्स हमारी मल्टीटास्किंग स्किल्स को भी इंक्रीज करती है, क्योंकि हमें एक साथ एनिमी पे भी ध्यान रखना होता है और हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे बटन्स होते हैं और उन सब को हमें मल्टीटास्किंग करके एक साथ मैनेज करना होता है। एक्शन गेम्स खेलते टाइम हमें हैंड आई के कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करना होता है। गेम खेलने से हमारा टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल भी इंक्रीज होता है। जो भी हम मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं उनमें हमें एज ए टीम खेलना होता है एंड एज ए टीम खेलने की वजह से हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना होता है एंड कम्युनिकेट करने से हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बूस्ट होता है। गेम्स जैसे चेस एंड सुडोको वो हमारे फिजिकल ब्रेन को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हम चेस एंड सुडोको खेलते टाइम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लेवल पर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे हमारा दिमाग थ्री डायमेंशन में काम करने लगता है एंड उसी की वजह से हमारा फिजिकल ब्रेन भी इंक्रीज हो जाता है। गेम्स में बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें एक साथ मैनेज करना होता है एंड उनको याद भी रखना होता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी भी बूस्ट होती है एंड रिकॉल एबिलिटीज भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा चैलेंजेस गेम्स खेलने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंक्रीज होती है। ये तो हो गई गेम्स खेलने के बेनिफिट्स, बट गेमिंग इंडस्ट्री में पैसे हैं कि नहीं? हाउ मच डू यू अर्न? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3, मतलब 7 करोड़, 8 करोड़, किससे कम, किससे ज्यादा? 10 करोड़ से ज्यादा, 15 करोड़ से ज्यादा, साल में कितना करता है? लाइक ही डज लेस देन, आई वुड से 2 मिलियन, लेस देन 2 मिलियन। 16 करोड़ से कम? 16 करोड़ से कम, 10 से ऊपर एक साल। तो देखो, वर्ल्ड की गेमिंग इंडस्ट्री मूवी एंड म्यूजिक इंडस्ट्री से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। यह है निंजा वर्ल्ड का रिचेस्ट गेमर एंड इसका नेटवर्थ $15 मिलियन है। आपको 2019 में अवेंजर एंडगेम मूवी तो याद ही होगा, जिसने $850 मिलियन की कमाई करके पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। बट उसी सेम ईयर में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम भी लॉन्च हुआ था, जिसका रेवेन्यू $1.9 बिलियन है। गवर्नमेंट ने ये रिवील करके बताया है कि आने वाले टाइम में गेमिंग के लिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। कुछ महीनों पहले खुद मुकेश अंबानी सर ने भी बोला है कि हम सोच भी नहीं सकते मूवी एंड म्यूजिक इंडस्ट्री से भी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री होने वाली है। ये तो हो गई वर्ल्ड की बात, बट इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री में कितना ज्यादा पैसा है, इंडियन गेमिंग के अंदर कितना पैसा है, ये जानना है आपको तो बस यूट्यूब पे इन गेमर्स की लाइफ स्टाइल सर्च कर लो, बस आपको सब पता चल जाएगा। ये तो हो गई पैसे वैसे की बात, बट हम प्रोफेशनल गेमिंग कर कैसे सकते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल गेमिंग करना बहुत ही आसान है, बट एक प्रोफेशनल गेमर बनना, एथलीट बनना जितना हार्ड है। एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए आपको डेली एक ही गेम खेलना होगा, उसमें छोटे छोटे स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, उसके बाद आप टूर्नामेंट्स एंड ई स्पोर्ट खेल सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड और भी ऐसे टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।